हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको जो गले होते हैं उनके बारे में बहुत बड़ी जानकारी दूंगी, जैसे कि हमारा बॉट नेक हो गया, गोल गला हो गया। और बॉट नेक में बहुत सारी कमेंट्स ऐसी आती हैं कि अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपना शोल्डर कितना रखें, हम अपना जो बॉट नेक है वो कितना रखें, मतलब बहुत सारी ऐसी कमेंट होती हैं। कई कई को राउंड जब हम गोल गला कट कर लेते हैं उनको कटिंग करने में उनका गला टेढ़ा हो जाता है हमेशा। तो मैं इन्हीं चीज़ों पे आज एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें हर चीज़ मैं आपको समझाऊँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, जैसे कि हमने पेपर ले लिया है, ठीक है। अब इस पेपर पे हम आपको हर मेजरमेंट बताएंगे, यानी कि आर्म होल का और बॉट नेक का, कि बॉट नेक आपको हर साइज में कितना लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपको आपकी जो ब्रेस्ट है वो 32 से लेके 36 33 तक है, ठीक है। तो आपको कितना लेना चाहिए अपने बॉट नेक की चौड़ाई, आपको लेनी चाहिए 3.5 इंच। ये देखिए, ये 3.5 इंच लेना चाहिए। और आर्म होल की बात होती है अब यहाँ पे, तो आर्म होल यहाँ पे हम लेंगे अपना 6 इंच। यहाँ से हम आर्म होल की जो लंबाई है वो ऐसे 6 इंच लेंगे, 6 इंच लेना चाहिए। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपना जो शोल्डर वो गला है बॉट नेक का वो 4 पे ले लिया, 4 को उनको लेना है 4 इंच पे, जिनकी 40 से लेके 42 इंच तक ब्रेस्ट है। अगर आपको कम साइज का और पतली लेडीज के लिए बनाना है तो आपको 3.5 इंच परफेक्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आर्म होल की बात कर लेती हूँ, अगर आपको 40 इंच का ये बनाना है, अगर आपको 36 33 32 इनका बनाना है, तो आप अपने जो आर्म होल है उसको 6 6.5 इंच तक रखिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, जब हम ज़्यादा इसे छोटा कर देते हैं और वैसे भी बॉट नेक की चौड़ाई बढ़ती है, तो हमारा जो ये शोल्डर है वो छोटा हो जाता है। बहुत सारे फार्मूलों से सिखाया है यूट्यूब पे, लेकिन मैंने ये मतलब बना के देखा है, ये फिर शोल्डर छोटा हो जाता है। तो आपको कभी भी ये ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब प्रॉपर 3.5 ही ले सकती हैं इसको। अगर इसमें मैं आपको एक फार्मूला और बताऊँगी, अगर आपको और चौड़ा पहनना है, जैसे कि मान लीजिए आपकी 36 है ब्रेस्ट और आपको बॉट नेक थोड़ा चौड़ा चाहिए, तो आप 4 इंच तक ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कुर्ती ख़राब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप उसकी जो लेंथ है वो आपको 3.5 इंच तक रखनी होगी, क्योंकि अगर आप ऊपर से भी 4 और नीचे से भी 4 बराबर ले लेंगी तो आपको शायद वो शोल्डर से ज़्यादा गिरेगा। तो इसलिए आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और अब कर लेते हैं यहाँ से आर्म होल की बात। इसका मैं वैसे एक स्पेशली एक पूरा आपको पेपर पर अच्छे से समझाऊंगी किसी दिन, लेकिन जिन जिन को ये प्रॉब्लम आ रही है मैं उनके लिए पहले क्लियर कर देती हूँ। तो जैसे कि हम इसमें 36 का बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच ले लेते हैं अपने आर्म होल। यहाँ से हम 6.5 इंच पे आर्म होल ले लेते हैं बॉट नेक में। और यहाँ से जैसे कि हमने बता रखा है आपको छाती का 4th हिस्सा और पल्स में 2 इंच, और यहाँ से जैसे हमारा 9 आएगा और हमें कितना मार्जिन लेना है 2 इंच का, तो हम इसको भी इसी से मिला देंगे, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब मैं आपको बॉट नेक की शेप देना बताऊंगी कि वो किस तरीके से हम देते हैं, और अलग से कटिंग करना भी बताऊंगी। जैसे हमने इस बॉट नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली है, ठीक है। तो अब हमें जो इसकी लेंथ है वो कितनी लेनी है, देखिए जैसे हमने 3.5 इंच ली है बॉट नेक की चौड़ाई, तो किसी किसी को क्या होता है कि बॉट नेक मतलब उनको घुटन होती है ज़्यादा छोटे में, क्योंकि कई कईयों को आदत नहीं होती है ज़्यादा छोटा बॉट नेक पहनने की, तो वो 4 इंच तक ले सकती हैं, ठीक है। ये 36 के हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अपना 4 इंच रखती हूँ। अब यहाँ से भी हम 3.5 इंच ले लेंगे, और कभी भी बॉट नेक की जो गोलाई होती है उसको हमेशा गोल नहीं करते हैं, वो मैं आपको भी बता दूंगी रीज़न कि वो क्यों नहीं करते हैं, फिर उसकी शेप कैसी आती है। तो देखिए, जैसे कि हमने एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊँगी कि इसमें जो हम गोलाई देते हैं बॉट नेक की वो कितने इंच पर देते हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब ऐसे ही अंदाजे से दे देते हैं, तो उसमें उनको नहीं समझ में आता जो बिल्कुल बिगनर्स हैं कि हमें कितनी देनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हैं सिखाने में, कि ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि हम जो ये हमारा गोल बिल्कुल बॉक्स के बीच में ये गोल सर्कल सा बना हुआ है, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, ठीक है।
ये हर साइज के लिए है, ये मतलब 36 के लिए ही नहीं है, ये हर साइज के लिए। तो मैंने 1.5 इंच पे एक डॉट लगा लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से इस तरीके से लाएंगे इसको और ऐसे मिला देंगे। देखिए कभी भी बॉट नेक की शेप होती है वो गोल नहीं होती है, वो हमेशा ऐसी ही आती है, इसको नाव गला भी बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि हम हर ब्लाउज हो चाहे हम कुर्ती हो, हमेशा शोल्डर एक या आधा इंच का गिराते हैं आर्म होल वाली साइड से। वो क्यों गिराते हैं, उसका रीज़न मैंने बता रखा है कि ताकि कंधे ना गिरे आपके, ठीक है। लेकिन अगर आप 36 का 32 का बना रहे हो इसको, मतलब कम साइज़ का बना रहे हो, तो आपको ये बॉट नेक में इसको बिल्कुल भी मतलब कम करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका जितना है वो उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको ये बड़े साइज़ का बनाना है, जैसे 40 का 42 का, तो आपको यहाँ से हाफ इंच का शोल्डर गिराना होगा, यहाँ से इस तरीके से आप हाफ इंच पे निशान लगा लीजिए। ज़्यादा नहीं गिराना है, मतलब उसको आप बेझिझक बना सकती हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ से बस हमें इतना ये डाउन कर देना है, ठीक है। अब आती है आर्म होल की बात, तो इसकी मतलब बहुत सारी कमेंट्स ऐसी आती हैं कि हमें कितना रखना चाहिए। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप हेल्दी हो, आपका ये जो हमारा आर्म होल का हम पूरा राउंड नापते हैं तो उसका भी हम हमेशा हाफ ही लेते हैं, जैसे कि हमारी छाती है उसका हम 1/4 भाग लेते हैं और 2 इंच उसमें हम एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो सेम हमें अपना हर चीज़ का एक, लेकिन कई लेडीजों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ये चीज़ मैं समझती हूँ, उनको हम पूरा ये सब कुछ समझाते हैं तो उनको सीधा सीधा ही समझ में आता है, उनका सिलाई का तो बहुत मन करता है लेकिन उनको ये फार्मूले अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ, देखिए अगर आप ज़्यादा पतले हो, आपकी ब्रेस्ट 32-33 तक है, तो आप अपना आर्म होल 5.5 से लेके 6 इंच तक रखें, ठीक है। अगर आपकी जो ब्रेस्ट है वो 36 से लेके 38 तक है, तो आप अपना आर्म होल इसे रखें आप 6.5 इंच तक, मतलब 5.5 मैंने 32 और 33 के लिए बता दिया। और जो ज़्यादा हेल्दी हैं वो अपना आर्म होल पूरा 7 इंच रखें, उससे कम ना रखें, क्योंकि जब हम इसे अपने मार्जिन में इंक्लूड करते हैं तो वो उसी में आके हमारा जितना हमारा पूरा राउंड बैठ रहा है आर्म होल का, वो पूरा जैसे कि हम आर्म होल नापते हैं अपना ऐसे पूरा पीछे से, जैसे मैंने एक मेजरमेंट की वीडियो डाली हुई है आप उसे देख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम आर्म होल में गोलाई देते हैं, ये हम बैक में कितनी देते हैं, इसमें मैं आपको एक फार्मूला और बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो हम बैक में देंगे 1.5 इंच की, और फ्रंट में हमें कितनी देनी है, फ्रंट में हमें 1 इंच से थोड़ी सी कम देनी है बॉट नेक में, तो मतलब 1 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है। अब हमें इनको इस तरीके से मिला देना है ऐसे। और देखिए मैं आपको ये चीज़, जैसे हमारी ये फिटिंग की लाइन होगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारी फिटिंग की लाइन होगी, तो यहाँ से हम हमेशा जब भी बॉट नेक कटिंग करें 1/2 इंच यहाँ से ऐसे नीचे आएगा हमारा, ठीक है। जैसे मेरी ये वाली लाइन है तो मैं इस वाली लाइन को इससे ऐसे मिलाऊंगी, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है मिलाना, वरना आपका जो आर्म होल है उसमें भी खिंचाव पड़ेगा और ये करने से आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। और ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल, इसको हमें इससे ऐसे मिलाना है बस। तो ये हो गया, मैं आपको इसकी वैसे कटिंग दिखाती हूँ क्योंकि सिंगल पेपर है, मैं आपको इसकी अलग से कटिंग दिखाती हूँ बॉट नेक की। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लूँगी पेपर को। अब डबल फोल्ड करने के बाद, अब जैसे मैं मान लूँ मैं 40 ब्रेस्ट वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि जिनकी ब्रेस्ट 40 है वो 4 से लेके 4.5 इंच तक अपना बॉट नेक रख सकती हैं आराम से, और अपना जो आर्म होल है वो 6.5 इंच तक रख सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा शोल्डर कम हो जाएगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आती है, आप 6-6.5 इंच तक रख लीजिए। तो यहाँ से मैं 4 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अपना जब मैं अपने लिए बॉट नेक बनाती हूँ तो मैं हमेशा अपने बॉट नेक की चौड़ाई 3.5 से लेके 4 इंच रखती हूँ, और शोल्डर मैं हमेशा अपना 7 इंच लेती हूँ। मैं कभी भी क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे वीडियो, और मेरी कुर्तियाँ मैं हमेशा पहन के दिखाती हूँ, मेरी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे फिटिंग करने में, ना ही कहीं झोल ना ही कुछ, क्योंकि उससे क्या होता है कि शोल्डर भी हमारा कम नहीं होता और हमारा प्रॉपर अच्छा रहता है। लेकिन आप फार्मूले के हिसाब से कटिंग करेंगी तो आपको ऐसे ही कटिंग करना होगा जैसे मैंने आपको उसमें बताया है।
तो यहाँ से हमने 4 इंच लेना है, ठीक है, 40 के लिए। और यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो, जैसे कि हम 4 इंच अपने बॉटनेक की तैयार रखेंगे, या ब्लाउज के लिए भी है और कुर्ती के लिए, उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल हमने कितना लिया लंबाई में, 4.5 इंच, और यहाँ से कितना लेना है हमें, 4 इंच ऐसे। और हम इसको भी एक बॉक्स शेप में बना लेंगे, यहाँ से इस लाइन को इस लाइन से हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है वो हर साइज़ के लिए है, जो हम ये गोलाई देते हैं यहाँ से वो कितने पे देनी होती है, 1.5 इंच पे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब 42 से लेके 40 तक हर किसी में दे सकती हैं आप इसको। अब ये हमने दे दिया, अब इसकी शेप कैसे देनी है, ऐसे ला के और ऐसे देनी है, ठीक है। कभी भी इसको गोल नहीं करना है, और यहाँ से ये जैसी है एक्जेक्ट ऐसे इसको रहने देना है। अब मार्जिन कितना रखते हैं हम, मार्जिन हम 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक रख सकते हैं। और देखिए जब भी हम मार्जिन रखते हैं हम इसी लाइन से रखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 1 इंच का रख रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे 2-3 डॉट बना लीजिए और फिर इन सभी डॉटों को इस तरीके से मिला दीजिए ऐसे। और इसकी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि ये कटिंग होने के बाद में कैसा दिखाई देता है। पहले हमारा जो एक्स्ट्रा पेपर है हम इसको निकालेंगे। और जिनको गोल गला कटिंग करने में दिक्कत आती है, जैसे लॉन्ग गोल गला होता है, मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी, 2 तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे कटिंग करते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा बॉटनेक कटिंग होके आता है ऐसे। तो ये बहुत ही मतलब ब्लाउज के लिए, कुर्ती के लिए, सबके लिए परफेक्ट है। अब मैंने ये आपको बता दिया है, अब मैं आपको गोल गला बता दूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें क्या करना है कि जैसे हमें लंबाई जो उसकी जो हमारे कंधे गिरते हैं, हमें चौड़ाई तो ऊपर से कम रखनी है, लेकिन अगर हम पीछे से गले की बैक की थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा रखें तो वो किस तरीके से रखनी है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी। जैसे कि मान लीजिए मैं इसी पेपर पे सिखाऊंगी आपको, यहाँ से हम इसको ऐसे मोड़ेंगे क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये पीछे के जो हम डीप नेक पहनते हैं उनके लिए है, हम ऊपर से चौड़ाई कितनी रखेंगे, 2.5 इंच पे, ठीक है। लेकिन उनको अपना शोल्डर कम लेना होगा, अगर वो डीप गला बना रही हैं तो उनको अपना शोल्डर 5-5.5 इंच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। जो लोग डीप नेक पहनती हैं उनको शोल्डर हमेशा कम लेना होगा। और कभी भी ब्लाउज के कंधे नहीं गिरते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो अभी मैंने कटोरी ब्लाउज की वीडियो अपलोड की है उस पर मैंने 11 इंच का गला रखा है, और मैंने उसकी जो चौड़ाई है ये 2.5 इंच रखी है, और शोल्डर मैंने उसमें 5 इंच लिया था, बिल्कुल परफेक्ट आया। मैंने पहन के भी दिखाया, कहीं से कोई कंधा नहीं गिर रहा, एकदम फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है। तो यहाँ से हमने ले लिया है 2.5 इंच पे। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये लगभग जो हम पहनते हैं वो 10-11 इंच के बीच में हम लेंथ पहनते हैं ब्लाउज की जो बैक होता है, कोई कोई कम भी पहनता है, तो मैं आपको इसे 10 पे बता रही हूँ, ठीक है। अब जैसे हमें ऊपर से कम रखना है, पीछे से हमें चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, जैसे कि हमें 3.5 चाहिए, 3 चाहिए, तो जैसे मान लीजिए मैं 3 ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 इंच ले लिया। अब हम इसको इससे मिलाएंगे, एक हल्की सी शेप आ जाएगी इसमें, फिर ऐसे ये आपको दिख रही होगी शेप कैसी आई है, ऊपर से तो कम रहेगा नीचे से ज़्यादा। अब इसमें कितने इंच पे देनी है हमें गोलाई, सिर्फ 1 इंच पे। तो हम यहाँ से 1 इंच पे ऐसे एक छोटी सी डॉट लगा लेंगे, और इस तरीके से इसकी बिल्कुल हमें इस लाइन से मिला के देनी होती है, क्योंकि अगर इसकी गोलाई में भी गड़बड़ हो जाती है तो वो पूरा गला खराब हो जाता है। तो उनको शायद यही दिक्कत आती होगी, वो बोलती हैं कि मेरा जो गोल गला है वो गोल नहीं आता है कभी भी। तो देखिए आपको सिर्फ 1 इंच पे ऐसे ये वाला निशान है यहाँ पे लगा लेना है एक निशान, और 1 इंच पे सिर्फ आपको इससे ऐसे मिलाना है, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और फिर वही मार्जिन जितना भी आप 1-1 इंच का रखना चाहती हैं। ये ब्लाउज के लिए तो खैर हम अलग से ही पट्टी लगाते हैं, लेकिन कटिंग तो हम ऐसे ही करते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने ब्लाउज पे कैसे पाइपिंग लगाएं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको 1-1 इंच का इसमें मैं मार्जिन रखूंगी, 1 से 1/2 इंच, 1/2 इंच, जितना भी आप रखना पसंद करती हैं उतना आप रख सकती हैं इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो पीछे वाला पार्ट होगा वो भी थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, और आगे से आपका ये इस तरीके से रहेगा। तो इससे कभी भी कंधे नहीं गिरते हैं, चाहे आप कितना भी डीप नेक बना लो कभी भी कंधे आपके नहीं गिरेंगे। और इस चौड़ाई को जैसे मैंने ये 3 इंच ली है, आप इसे इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि फिर क्या होता है कि ब्रा वगैरह दिखने का डर रहता है पीछे से,
तो इसकी चौड़ाई आप इतनी ही रखें, और ये ऊपर से कुछ इस तरीके से आता है, फिर मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। मैं अपने ब्लाउज में हमेशा ऐसे ही गले बनाती हूँ, जो कि बहुत ही परफेक्ट लगते हैं, और इनकी जो डीपनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और देखिए, जैसे कि कई बार कमेंट आती है कि कॉलर वाले में हम कितना रखें, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ कि जैसे हम देखिए नॉर्मली हम अपना आर्म होल कितना रखते हैं। जैसे हमने मैंने अभी आपको बता दिया डीप नेक में हम इतना रखते हैं, 5 इंच, जो अगर हम ज़्यादा बड़ा रख रहे हैं तो हेल्दी लेडीज है तो 5.5-6 इंच तक रखें, वो अलग अलग साइज़ के ऊपर होता है। जैसे हम कॉलर वाला बना रहे हैं तो उसमें हमारा कॉलर लगेगा तो उसमें हमें आर्म होल हमेशा ज़्यादा चाहिए, उसमें हमें आर्म होल अपना 8 इंच चाहिए। उसमें कोई मतलब ये देखिए, अगर आप पतले हो तो 7.5 तक ले सकते हो आप अगर कॉलर लगा रहे हो। अगर आप थोड़े से हेल्दी हो, आपकी जो ब्रेस्ट है वो 40-42 के बीच में है, तो आपको अपना शोल्डर 8 इंच तक लेना है, ठीक है। उसमें आपको 1 इंच भी कम ज़्यादा नहीं करना है, वो 8 इंच ही लेना पड़ेगा। वरना अगर ये आप कम लोगी तो उसमें क्या होगा कि जो आपका शोल्डर है वो हमेशा, जैसे ये एक शोल्डर होता है वो खिंचाव करेगा और आपका कॉलर भी कभी भी फिट नहीं आएगा। उसके ऊपर मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊंगी, आपको पूरा लगा के दिखाऊंगी कॉलर को किस तरीके से हम लगाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बहुत सारी चीज़ें, और देखिए मैं आपको एक और गले की शेप बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने एक स्वीट हार्ट गले की शेप पूछी थी मुझसे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से जैसे देख लीजिए, इनसे हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच पे, ठीक है। जो थोड़े से हम डिजाइन नेक बनाते हैं उसमें चौड़ाई 3 इंच आती है। अब देखिए लेंथ में आप इसे कितना भी रख लीजिए, जैसे कि मैं इसे लेंथ में रखूंगी 6.5 इंच तक, ठीक है। अब हम पहले एक और निशान लगा लेंगे 3 इंच पे, यहाँ से एक और निशान लगा लिया मैंने 3 इंच पे, और इसको हम इससे ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हमें कितने इंच से गोलाई देनी होती है, जैसे मुझे देनी है ये 3.5 इंच से, 3.5 इंच मैंने ऐसे लगाया, बहुत ही ईजी है ये गोलाई देना। अब यहाँ से हम ऐसे ला के इसको और ऐसे कर देंगे यहाँ से, ये देखिए ये गले मतलब हमेशा चलते हैं, ये हमेशा फैशन में रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं बनने के बाद में। थोड़ा सा कटिंग करके भी दिखाती हूँ, वैसे ओपन है पेपर, और जब भी गले कटिंग करें आपको जो अपना पेपर है वो हमेशा फोल्ड मतलब फोल्ड वाली साइड से लेना है। जैसे कि ये ओपन है तो इसमें से मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसलिए चार्ट पेपर मिल नहीं रहे हैं, तो जो है मेरे पास मैं उन्हीं से काम चला रही हूँ। अब यहाँ से ऐसे करके, और इस ब्लाउज इस गले को आप ब्लाउज में, कुर्ती में, किसी में भी बना सकती हैं। ये बनने के बाद में बहुत ही अच्छा एक लुक देता है। ये देखिए मैं हल्का सा आपको इसे रख के दिखाऊंगी, इसे इस तरीके से आता है, मतलब इसके जो कंधे होते हैं वो कभी भी नहीं गिरते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसमें से बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आगे मैं समझाती रहूँगी। बस क्लास आप अटेंड करती रहिए, डेली मेरी 1 बजे वीडियो आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखानी है आपको, लेकिन जो जो ये प्रॉब्लम है वो आज शायद क्लियर हो गई होंगी। जब भी बॉट नेक बनाऊंगी हमेशा समझा के ही बनाऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।